मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी छत्तीसगढ़ की ही नेत्री बहन रेणुका सिंह जी, रायपुर के सांसद श्री सुनील कुमार जी, श्री दिनकर गुप्ता जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं तीजा पोला के शुभ अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरागत जो त्योहार बने हैं वो बहुत सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। अनेक विविध चीजों को त्योहारों के साथ जोड़कर जनमानस का और जनता का व्यापक प्रशिक्षण करने की इसमें संदेश रखा है। आप पोला के त्यौहार को ही ले लीजिए, ये अन्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अन्न माता जब गर्भ धारण करने की अनुकूल वातावरण होता है तब ये मनाया जाता है। बैल का भी पूजन करकर कृषि प्रधान देश के अंदर न केवल गाय का महत्व लोगों के सामने रखना, कृषि के लिए जितने उपयोगी चीजें हैं वो सभी का हम पूजन करते हैं और भाई बहन के बीच में स्नेह के रूप में भी इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं फिर से एक बार पोला के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज ये भव्य भवन जो दिखाई पड़ता है वो एनआईए की बढ़ती हुई शाख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एजेंसियों के लिए जो समय एनआईए की स्थापना को हुआ है वो समय बहुत लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को स्थापना के बाद बनने में, उभरने में, अपनी शाख बनाने में, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है, मगर एनआईए ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्थापित किए हैं। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का दोष सिद्धि का प्रमाण, और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढकर निकालना और उसको खत्म करना, मैं मानता हूं कि एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है। श्री दिनकर गुप्ता और उनके नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एनआईए को हमने लगभग एक फेडरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के लिए विगत 3 साल के अंदर ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पर बाद में आऊंगा, परंतु आज रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है, इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहां बैठे हैं, मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विगत वर्षों में 10 राज्यों में एनआईए ने
अपने काम का विस्तार किया है। 19 में चंडीगढ़, 20 में रांची, इम्फाल और चेन्नई, 22 में जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत करकर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है। वहां ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुना, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करने के लिए हर संभव यह प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दोष सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए और उसी उपक्रम में एनआईए को मजबूत करने का काम हमने किया है। और मुझे आनंद है कि 94.23% दोष सिद्धि जो 75% तक चली गई थी 2014 में, उसको बढ़ाकर 94% लाने में एनआईए ने सफलता प्राप्त की है, वो बहुत आनंद का विषय है। देश को मुक्त कराने में बहुत फायदा होगा। 2019 के बाद हमने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। हमने एनआईए का दायरा देश से बढ़ाकर जिनके साथ, जिन जिन देशों के साथ हमारी राजनयिक संधियां हैं, वो देशों तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे आतंकवाद का प्लानिंग कहीं पर भी हुआ हो, प्लानिंग करने वालों तक एनआईए पहुंच सके और बाहर किसी भी, बाहर से प्रेरित किसी भी आतंकवादी हमले का जड़ तक जांच कर सके। इसके अलावा मानव तस्करी, प्रतिबंधक विस्फोटक और साइबर अपराध जैसे मुकदमों की भी जांच का अधिकार एनआईए को हमने दिया है और आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित करकर आतंकवादी संगठन घोषित करना और संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी, आतंकवादियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार हमने एनआईए को दिया है। क्योंकि आम तौर पर दिखाई पड़ता था प्रतिबंध किसी भी संगठन पर लगाते थे, आतंक का काम करने वाले लोग दूसरे नाम से नया संगठन बनाते थे, मगर जब व्यक्ति को ही आतंकवादी घोषित करकर प्रतिबंधित करते हैं तब तकलीफ उनकी बढ़ती है। और अब तक 36 व्यक्तियों को एनआईए ने आतंकवादी घोषित करने का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। एनआईए को न केवल सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक क्षेत्र का पूरा डेटाबेस एनआईए के अंदर बने, चाहे कोई भी देश के अंदर विगत 50 साल के अंदर आतंकवादी घटना हुई हो, उसकी एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके जजमेंट्स और सर्वोच्च अदालत तक के उसके फैसले, ये सारों का एक डेटाबेस
एनआईए में बनाने की हमने शुरुआत की है। इसी तरह विस्फोटक सामग्री का भी डेटाबेस हमने बनाने का प्रयास किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये डेटाबेस को एनालिसिस करकर उनके काम की पद्धति भी एनआईए ढूंढने में प्रयासरत है, जिससे इसकी रोकथाम के लिए और एनालिसिस से एक ट्रेंड लेकर एनआईए के अफसर और राज्यों के जो ईटीएस और क्राइम ब्रांच है इनके अफसर की ट्रेनिंग के अंदर बहुत काम में आएगा। टेरर फाइनेंस का केस का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर को संपूर्णतया हमने आतंकवाद से मुक्त करने का प्रयास किया है। धारा 370 हटने के बाद स्वाभाविक रूप से वहां पर शांति भी दिखाई पड़ती है और आज वहां पर आतंकवादी गतिविधियों पर हमारी एजेंसियों का संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित किया हुआ हम देख सकते हैं। और ये होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि टेरर फंडिंग, टेरर को फंड करने वाले सारे भी जो लोग थे, इस पर एनआईए ने 19 और 20 में कठोर कार्यवाही की और 18 में भी की। 18, 19, 20 में 105 मामले दर्ज किए और 876 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 105 में से 94 मामलों में चार्जशीट भी दायल कर दी गई। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को भी मूल समेत उखाड़ने का संकल्प किया है। वामपंथी उग्रवाद का परिदृश्य अगर देखें तो बहुत कम जिलों में अब वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। 2009 में सर्वाधिक घटनाएं 2258 हुई थी, इसमें 77% कटौती के साथ 2021 में वो सिर्फ 509 तक बच गई है। जान गंवाने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मी जो 2009 में सर्वाधिक 1005 थे, उसमें 85% की कटौती हुई है और 2021 में वो सिर्फ 147 तक रह गई है। और सिर्फ 86 जिले अब घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं, पहले 120 जिलों तक फैला हुआ था, 120 से घटकर 46 जिलों तक आए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है, मगर मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। हिंसक घटनाओं में 50% की कमी आई है, मौतों में 66% की, सुरक्षा बलों के मृत्यु में 71% की और आत्मसमर्पण में 140% की वृद्धि हुई। यही बताता है कि चारों मानकों में हमने बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। भारत सरकार, जहां तक वामपंथी उग्रवाद और टेररिज्म का सवाल है, राज्य सरकारों का सहयोग लेती भी है, राज्य सरकारों को सहयोग देती भी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष के सामने नहीं है। ये लड़ाई मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश का अर्थतंत्र के खिलाफ है। जब तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं होता, वहां पर विकास नहीं पहुंच सकता। जब तक वहां विकास नहीं होता, वहां के लोगों का भला नहीं हो सकता। विकास के बारे में भी ढेर सारे कदम हमने उठाए हैं और बहुत लंबा सूची है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु वामपंथी उग्रवादों की विस्तारों का कनेक्टिविटी, वहां पर शिक्षा का स्तर ऊपर लाना, वहां रोजगारी को बढ़ावा देना, वहां पर रोड गांव तक इसकी रीच बढ़ाना और वहां पर सुरक्षा बलों की प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को जहां तक लॉजिकल एंड तक ले जाए लड़ाई को, वहां तक पहुंचाने में जब तक भावना, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास है एनआईए अपने उज्जवल भूतकाल के अनुरूप
भविष्य में अपने रिकॉर्ड को और अच्छा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद करकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।